मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई सुबह एक और नए ब्लॉग के साथ। कल रात बच्चे हमने बैठा दिए थे यहाँ से घर के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है आगे सोलो करने। आगे बर्फ़ बहुत है, ठंड बहुत है, और मैंने अपनी गाड़ी खोल दी है। मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, पूरी गाड़ी खोल दी है। देखो अब मैं पूरी गाड़ी सेट करूंगा वन बाय वन करके, हर एक चीज़ को सेग्रीगेट करूंगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे ना कितना ही कर लो ना, छोटे बच्चे सामान फैला ही देते हैं। पर लेकिन थोड़ा सा मेरे को ना सामान ऑर्गेनाइज करके रखने की आदत है, तो इसलिए मैंने पूरी गाड़ी खोल दी है ना। ये देखो ये कम्बल उम्बल टॉप और सब निकल दिया, गद्दे वद्दे सब खोल दिया है। अब इसे पूरी गाड़ी पैक करेंगे, फिर नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अंडोरे। तो भाई लोगों, चश्मा ले लिया है मैंने स्नो के लिए। देखो चश्मा का, देखो ये ले लिया है भैया से, लिया है 80 रुपए का। मंजीत भाजी भी ले रहे हैं, तो 80-80 रुपए के लिए है हमने। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। लग रू या नहीं लगाया करूँ आप बताइए कमेंट। शिशु की तरफ अटल टनल क्रॉस करके फिर आगे जाएंगे, शिशु की तरफ जाएंगे। देख, और आज अपनी कैंपिंग स्पॉट भी ढूंढना है, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा डर भी है कि ठंड कितनी होगी कैसे होगी, देखते हैं। मासी चल रही है हमारी, है इको, और इन्होंने डाल दिया एसयूवी में और चला। पर्ची काटी 300 रुपए की, जबकि 200 रुपए की कटनी थी। कार में आना था, बस ट्रक का 500 रुपए का था। तो बदमाशी चल रही है जिनकी, गुंडागर्दी चल रही है, ये तो गलत बात है यार। देखो जी, लक्कड़ पे भी हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। और यहाँ ऐसा हो रहा है जैसे बर्फ की सिल्ली काट के ना यहाँ टुकड़े करके रख दिए हो। देख रहे हो कितनी जबरदस्त बर्फ है। पहुंच गए हैं लाहौल में, आपका स्वागत है। गेट बना हुआ है सामने वो, और व्यू देखो जी, खतरनाक जबरदस्त व्यू है भाई साहब। ठंड अभी भी जबरदस्त है, कितना 10-11 डिग्री टेम्परेचर होगा माइनस में। पान जहाँ पानी पड़ा है ना भाई साहब, वहाँ बर्फ है खतरनाक वाली। और ठंड लग रही है मेरे को, तो जैकेट पहनूंगा। तो ऊपर एक और ये ना लकड़ी फाड़ते हुए ना, लकड़ी एक उछल के लग गई थी, तो चिटक्के चिटक्के कह सकते हैं, तो उससे हो गया था। तो थोड़ा सा दर्द भी है इसमें, ठंड में ना अकड़ जाता है ये। सो फाइनली गाइस, लोकेशन हमें मिल चुकी है जबरदस्त। देखो व्यू देखो, पीछे बर्फ, आगे काली, पीछे बर्फ, फिर आगे बर्फ, जबरदस्त बर्फ ही बर्फ है। और अभी यहाँ क्राउड होता है ना, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी को, हम अपनी हंडोरी कैंपर को ना आगे की तरफ ले आए हैं। ये खड़ी है हमारी कैंपर, और ये काफी ग्राउंड है, हम इसे यूज कर लेंगे अच्छे खासे से। आज रात हम रुकेंगे यहीं पे और फिर रात को बैठ के बनाएंगे प्लानिंग आगे की तरफ, जो कि रोड देख सकते हो आप, वो जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखेंगे कहीं आगे की तरफ कहां तक जा सकते हैं। फिलहाल सूर्य देवता छुपने वाले हैं, मेरे को लगता है 1 घंटा भी रुकेंगे, और जैसे ही सूर्य देवता छुपे, और यहाँ पे ना अभी फिलहाल -11 डिग्री है, और फील लाइक मतलब महसूस जो हो रहा है वो 8 डिग्री के आसपास महसूस हो रहा है। पर लेकिन जैसे सूर्य देवता चले गए ना, वो 11 डिग्री 15 डिग्री में कब बदल जाएगा ना भाई साहब, पता नहीं लगेगा। तो फटाक से अपनी कुकिंग कर लेते हैं और सारे काम निपटा लेते हैं, और आराम से फिर बैठेंगे और फिर आपसे करेंगे बातचीत। जबरदस्त मजा आने वाला है, तो ये हमारी सोलो है, मजा लेंगे फुल मजा। हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनाएंगे, अभी देखते हैं रोटी बनाए चावल बनाए। तो आलू की स्लाइस कर दी हमने, थोड़ा सा फालतू बना के रखेंगे ताकि रात को भूख लगे ना, तो खा लेंगे। आलू भी ऐसे हो गए जम से गए हैं भाई साहब, ठंड इतनी हो रही है। फायदा है अपनी कैंपर वैन का, कहीं भी खोल दो और भूख लगे, जहां भूख लगे वहीं खोल दो और अपना खाना बनाओ और खाओ पियो, मस्त रहो, शुद्ध खाओ, शाकाहारी खाओ, मस्त रहो। और देखो इतना व्यू, जबरदस्त व्यू मिल गया है, तो हमने सोचा यही बना लेते हैं। और कुकिंग आपके भाई को जबरदस्त आती है, तो लग गए हैं बना रहे हैं। फिलहाल सब्जी बनने वाली है थोड़ी देर में, और इधर अपनी बन रही है आलू टमाटर की सब्जी। फिलहाल सूरज देवता से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रहें अभी 1 घंटा और, प्लीज रहें, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ देवता महाराज। सीटी आ चुकी है, बस सब्जी बनने वाली है, 1-2 सीटी और लगा लेते हैं, बस सब्जी बन जाएगी अपनी।
फिर सलाद में प्याज काट लिया हमने और इसके बाद चाय बना लूंगा खाने के बाद में ना। तो रात भर हवा चल रही है जबरदस्त और मैंने ना ये फ्लेम वाली प्लेट ना उल्टी लगा दी है, तो उधर की जगह इधर लगा दी है क्योंकि हवा उधर से बहुत ज्यादा आ रही थी और गैस बंद हो रही थी बार बार। चाय देखो, सब लोग मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब ये गायब हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे होने वाली ठंड। और 3 बजे और टेम्परेचर हो गया -12 डिग्री। 3 बजे 3 और टेम्परेचर -12 डिग्री है और लोग ठंड को बुला के कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय। ये देखो गजब। तो खाना हमने खा लिया है और कुछ खाना हमने बचा भी लिया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया था। तो मैं अब गाड़ी हमने पैक नहीं करी है, अभी स्टार्ट करी है, इंजन स्टार्ट करा है, हीटर चला दिया थोड़ा सा। अभी -12 डिग्री -13 डिग्री के आसपास है और मेरी नाक बहनी शुरू हो गई है, ठंड इतनी है जबरदस्त। देखो भैया भी वो तो मूत रहे हैं, खैर वहाँ पे उन्हें दिखाना जायज नहीं है मूत इंसान को। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमें निकलना पड़ा सीसू से, हेलीपैड से आगे की तरफ क्योंकि पुलिस वाले आ गए थे और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया बिल्कुल कड़े लफ्जों में कि आप यहाँ से निकल जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है रात को, तो बिल्कुल भी नहीं पता नहीं क्यों। और जब हमने वहाँ का टेम्परेचर अभी देखा तो -25-26 डिग्री के आसपास था, तो शायद यही कारण था कि उन्होंने हमें वहाँ से निकलने के लिए बोल दिया। फिर हम वहाँ से बढ़ गए आगे की तरफ और एक रास्ते में हमें एक मिला फूड पॉइंट, तो भैया से हमने बात की क्योंकि लेट हो चुके थे, अंधेरा हो गया था कि हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं नहीं, तो भैया ने वो कहा आराम से बेची से गाड़ी पार्क कीजिए आराम से। और अभी -16 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, भी 16 डिग्री टेम्परेचर होगा अभी है माइनस, रात में पता नहीं कितना जाएगा और 22-23 के आसपास जाएगा, भाई बता रहे हैं 22-23 के आसपास माइनस में जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, ये सब आप लोगों का प्यार है जो हम इसको कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। फिलहाल गाड़ी कर दी है बाहर हमने खड़ी और हम अभी अंदर हैं, थोड़ा सा शरीर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर अपनी गाड़ी में पैक हो जाएंगे अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों गाड़ी कर दी है पूरी पैक, बाहर से टॉप वाप ढक के बिल्कुल पैक कर दिया पन्नी उन्नी के साथ में और डबल कंबल के साथ में, मैं हो गया हूँ पैक। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एंडोरे और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। कलते हैं कल एक नई और ऊर्जा और एक नई शुरुआत के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।